राजस्थान में आईपीएल के आयोजन को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आईपीएल के पहले मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम में किए गए निर्माण को लेकर खेल मंत्री ने अवैध बताते हुए स्टेडियम के एक स्टैंड को सीज कर दिया था। वहीं गुरुवार को होने वाले दूसरे मैच से पहले निर्माण की स्वीकृति लेने की बात कही। खेल विभाग ने राजस्थान रॉयल्स को अब तक स्टेडियम में हुए निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है। ऐसे में गुरुवार को जयपुर के मैदान पर धोनी के आखिरी मैच को लेकर खेल प्रेमियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। खेल विभाग के सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि अब तक राजस्थान रॉयल्स को अनुमति नहीं मिली है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की ओर से अनुमति को लेकर आवेदन किया जा चुका है। इसको लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी नियम अनुरूप कार्रवाई करने की बात कही है। अब स्टेडियम में हुए निर्माण को लेकर कोई फैसला हो सकता है। दरअसल आईपीएल का पहला मैच 19 अप्रैल को हुआ था। इसमें राजस्थान रॉयल्स की लापरवाही का नतीजा क्रिकेट प्रेमियों को भुगतना पड़ा था। उन्हें टिकट होने के बाद भी वेस्ट विंग में बने वीवीआईपी एरिया में एंट्री नहीं मिली। बाद में राजस्थान रॉयल्स ने खेल मंत्री से समझौता किया, इसके बाद लोगों को एंट्री दी गई। इन दर्शकों ने 6000 से लेकर 12000 तक के टिकट खरीदी थी। इसको लेकर राजस्थान रॉयल्स और आरसीए के प्रबंधन की काफी किरकिरी हुई थी। बता दें कि एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने वीआईपी स्टैंड का निर्माण कराया। इसकी शिकायत खेल मंत्री अशोक चांदना को मिली थी। इसके बाद 19 अप्रैल को वो स्टेडियम पहुंचे। वहां उन्होंने आरसीए और राजस्थान रॉयल्स पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया था।